सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो गाइस, मेरा नाम अंकित और आप देख रहे हैं इसके कर देते। तो जो कि जैसे कि आजकल इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे हुक्का का बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा था, हमने सोचा कि उन्हें हुक्का को घर पे बनाया जाए, वो भी घर के सामान से। तो ज्यादा देर न करते वीडियो करते स्टार्ट। और जो साइड में जो रेड कलर का बटन है, प्लीज प्लीज दबा दे, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, हमारे चैनल के सब्सक्राइब को भी जल्दी से कंप्लीट कर दे। तो फिर साइड करते वीडियो को स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें कैन के बोतल को ले लेना है, जिसे हमने काट के दो हिस्से में बांट लिया। और इसके लिए फ्रेंड्स, हमें एक एल्युमिनियम का पाइप ले लेना है कि जिसके बीचों बीच छेद होना चाहिए। तो इस एल्युमिनियम को पाइप को इस कैन के बीचों बीच लगाने वाले था। आप इसे एमसील की मदद से चिपका सकते हैं। फिर इसके अलावा आपके पास अगर कोई भी चिपकाने वाली चीज़ है तो आपको इसे पर अच्छे से चिपका लेना है। तो इसके अलावा आपको इसे अच्छे से चिपकाना है, जिसके इसके अंदर की जो हवा है बिल्कुल भी अंदर बाहर ना आ पाए। तो जैसे कि फ्रेंड्स, हमने इसे अच्छे से चिपका दिया, तो अब इसे हम सूखने के लिए रख देते। तब तक के लिए हमें करना है कि हमें पेप्सी के बोतल को ले लेना है। और पेप्सी के बोतल को लेने के बाद फ्रेंड्स, हमें इसका ढक्कन को निकाल लेना है। और इसको ढक्कन को निकालने के बाद हमारा जो एल्युमिनियम का पाइप था, उस पाइप को हम इसको ऊपर रख के मार्क कर लेने वाले, क्योंकि हम यहाँ पर एक छेद करने वाले हैं। हम इसको अच्छे से मार्क कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ढक्कन में मार्क करने के बाद हमें इसे कैची या फिर किसी भी चीज़ की मदद से हमें इसे काट लें। तो जैसे कि हमने इसे काट लिया, उसके बाद आपको सिंपली करना क्या है, हमारा जो एल्युमिनियम का पाइप था फ्रेंड्स, हमें अपने पाइप के अंदर डाल के इसे अच्छे से ग्लूगन की मदद से आपको अच्छे से चिपका लेना। तो जो कि आपको सब एल्युमिनियम के पाइप के ऊपर तक लेके आ जाना है, और यहाँ पर आपको ग्लूगन की मदद से अच्छे से चिपका लेना है। तब किसी भी चीज़ से चिपका सकते हो, तो हम इसे ग्लूगन की मदद से चिपकाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने इसे ग्लूगन की मदद से अच्छे से चिपका दिया, उसको तो हमें सिंपली करने का हमें एक छोटा सा बोतल ले लेना है। एंड हमें इसके सामने के हिस्से को आरी की मदद से काट लेना है। तो काटने के बाद फ्रेंड्स, इसके सामने जो थोड़ा उभरा हुआ रहता है, तो इसको प्लेन करने के लिए हम सैंडिंग पेपर के ऊपर इसे हम अच्छे से घिस ले लेंगे। तो जैसे कि हम इसे सैंडिंग पेपर के ऊपर अच्छे से घिस ले, जो कि पूरा अच्छे तरीके से प्लेन हो चुका है। उसके बाद फ्रेंड्स, हमें कोको कोला का बोतल ले लेना है। एंड इसके ऊपर की ओर हमें आयरन की मदद से यहाँ पर छेद कर लेना है। तो आपको यहाँ पर अच्छे से छेद कर लेना है, ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा छेद कर लेना है। हमने जो छेद किया था, छेद का हमें ग्लूगन की मदद से यहाँ पे हमें ढक्कन को चिपका देना है। तो फ्रेंड्स, हमने ये नॉर्मली पाइप लिया, जो कि आपको ये पाइप आसानी से मार्केट में मिल जाएगा। उसके लिए हमें सिंपली करना है कि हमें ढक्कन को ले लेना है। ढक्कन को आयरन की मदद से हम इसके बीचों बीच छेद कर देना है, क्योंकि यहाँ पे हमें इस पाइप को सेट करना है। इसमें छेद करने के बाद हमें करना है कि हमारा जो पाइप है, हमारे पाइप को इसके बीचों बीच अच्छे से सेट करने के बाद ग्लूगन की मदद से हमें इसे अच्छे से चिपका देना है। तो हम इसे जल्दी जल्दी ग्लूगन की मदद से अच्छे से चिपका देते हैं। हमारा हुक्का का जो पाइप है अच्छे से बन के रेडी हो चुका है। इसके बाद हमने जो कैन के बोतल को आधा काट कर रखा था, उसे हम एल्युमिनियम पेपर की मदद से अच्छे से रैप कर देंगे। तो हमें इसे बहुत अच्छे से रैप कर देना, जिससे कि हवा बिल्कुल भी अंदर बाहर ना आ जाए। उसके बाद हमें करना क्या है, इसे सुई की मदद से इसके ऊपर छेद छेद कर देना है। तो हम इसके पूरे हिस्से में छेद छेद कर देने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, हमने इसके ऊपर बहुत अच्छी तरह से छेद छेद कर दिया। इसके लिए फ्रेंड्स, ये रहा हमारा हुक्का फ्लेवर। फ्रेंड्स, हमें अपने हुक्का फ्लेवर को करना क्या है, हमारा जो एल्युमिनियम पेपर था, हमें इसके ऊपर से अच्छे से लगा देना, बहुत अच्छे तरीके से, जिस टाइप से मैं लगा रहा हूँ आपको कुछ इसी टाइप से इसके ऊपर लगा देना। तो लगाने के बाद आपको सिंपली करना है, इसे भी एल्युमिनियम पेपर से रैप कर देना है। तो फ्रेंड्स, हमें अपने फ्लेवर को अच्छी तरह से रैप करने के बाद हमें इसके ऊपर भी सुई की मदद से छेद छेद कर देना है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमारा जो हुक्का ये पूरी तरीके से बन चुका है, तब हम इसके सारे सामान को एक साथ लगाने वाले हैं, टेस्ट करके देखने वाले किस टाइप का बना है। फ्रेंड्स, हमारा जो हुक्का ये बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क भी कर रहा है, जैसे कि आप देख भी सकते हैं, इसमें से बहुत अच्छे तरीके से धुआं भी निकल रहा है। फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा होता है, प्लीज़ प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दे। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलेगा। फ्रेंड्स, जाते जाते कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स हमारे वीडियो को देखने के लिए। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।